इंसानों में होने वाले हर संक्रामक रोग एक खास मौसम में होता है। मौसम के हिसाब से बीमारियां बढ़ती घटती रहती हैं। ठंडे कोरोना बढ़ने को लेकर भी कई देशों के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, क्योंकि ठंडे मौसम की नमी में इसका वायरस अधिक देर तक जीवित रहता है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बातचीत की सत्या राजपूत ने। मौसमी चक्र के अनुसार दुनिया में बहुत बड़े क्षेत्र में मौसम परिवर्तन की ओर है और सर्दी दस्तक दे रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि सर्दी खांसी सर्दी के मौसम में आम बात है। तो ऐसे में क्या कोरोना डबल ताकत से डबल आक्रामक रूप से फैलेगा या नहीं, इस तरह की बातें हो रही है और उनकी समीक्षा बेहद जरूरी है। मंत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि हमें अगर सतर्क ना रहे ठंड के दिन में तो वेब का सामना कर पड़ सकता है हमको। कोरोना जब दुनिया में फैला तो सर्दी का मौसम था, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च में हमने देखा कि ये फैला, और उस समय ये बात सामने आई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ठंडी जहां है वहां पर कोरोना ज्यादा आएगा और जो गर्म देश है वहां कोरोना नहीं पहुंचेगा। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि चाहे वो अमेरिका हो, तो अमेरिका में अगर ठंडे देश भी हैं तो वहां रेगिस्तान भी है, जो दक्षिणी भाग है वहां गर्मी भी है, यूएई में, अरब देशों में, दुबई इत्यादि में यहाँ भी गर्मी है, वहां भी कोरोना आया। हमारे देश में भी हमने देखा कि गर्मी के मौसम में भी कोरोना घटा नहीं बल्कि ये बढ़ता चला गया। कई देशों ने के जो रिसर्च हुए वहां के वैज्ञानिक ने स्पष्ट कर दिया है कि ठंड में ये कोरोना का बढ़ना लगभग तय है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी है ठंड के पहले, चूंकि हमने लंबा समय ये कोरोना काल को देख लिया, इसे चुनौती लड़ा। छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना कम भी नहीं हो रहा है तभी बढ़ भी नहीं रहे, लेकिन आगे ना बढ़े इसके लिए क्या प्लानिंग है? तीन नाम के इसके मूल मंत्र हैं, वो शुरू से हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों के सामने रखें। बीमारी हो जाए उसके पहले बचाओ, तीन सरल मंत्र हैं। हाथ धोना साबुन से 20 सेकंड तक, ये हमको दिन में 5-6 बार कम से कम करना ही चाहिए। कहीं गए, बाहर गए, ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को हमने छुआ हो या किसी के संपर्क में आ गए हो, तो हमको हमेशा एक ये चीज करनी है कि टेस्ट हम नहीं कर पा रहे हैं एक सीमा से ज्यादा, तो आंकड़े समय के साथ आ रहे हैं। रायपुर ये शहर आप देख रहे हैं कि अब संख्या थोड़ी कम दिख रही है, सीमित दिख रही, खत्म नहीं हुई पर सीमित दिख रही है, और जिन जगहों पे टेस्टिंग के माध्यम से घर घर जाके अब पता चल रहा है वहां पर संख्या थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है, वो भी कुछ समय के बाद स्थिर होगी और कम कम होगी। ठंड की बात करें तो वैज्ञानिक ने आगाह किया है कि अगर ठंड के मौसम में लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो कोरोना का जो आक्रामक रूप देखने को मिल सकता है, तो फिर हम और आप पर निर्भर करता है कि कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे, सावधानी कैसे बरते। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज। आखिर में प्राइवेट